मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसके अंतर्गत हम लोग देखिए क्या क्या सीखेंगे, पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं पुष्पासन आता है, पुष्प वृंत आता है, और बाह्य दलपुंज आता है, दलपुंज आता है। और इसके बाद मित्रों आप देख पा रहे हैं जैसे पुंकेसर है, पराकोष है, पुतंतु है, स्त्री केसर है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, राइट। तो मित्रों सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पुष्प की संरचना है, इसमें आपको हम दिखाते हैं क्या क्या पुष्पासन है। देखिए मित्रों, जो गुड़हल के पुष्प का या किसी भी पुष्प का सबसे नीचे का जो इस प्रकार से भाग होता है, ये जो गुठली होता है सबसे नीचे, जिस पर पुष्प पूरा लदा होता है, बैठा होता है, उसे पुष्प वृंत कहा जाता है। इसके ऊपर मित्रों ये आप देख पा रहे हैं चौर चौकोर भाग में जो जिस पर पूरा पूरा जो पुष्प होता है विराजमान होता है, इसे पुष्प आसन कहा जाता है, राइट। ये मित्रों आप देख पा रहे हैं ये बाह्य दल है, क्या है, बाह्य दल है, राइट। ये जो आप देख पा रहे हैं ये दल है, देखिए ये बाह्य दल है, इसी मित्रों दल से ये पूरा पुष्प सुरक्षित होता है, इस बाह्य दल से। और ये जो आप मित्रों देख पा रहे हैं ये दलपुंज से, राइट। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुंकेसर है, पुंकेसर यानी नरभाग, राइट। इसी पुंकेसर पर मित्रों, इसी पुंकेसर पर ये पराग कोष होता है, दोनों साइड में आप देख पा रहे हैं, इसी पराग कोष में पराग के कण उपस्थित होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्त्री केसर, स्त्री केसर मतलब होता है जो मादा जननांग होता है, जिस पर वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, यानी इसी अंडाशय में बीजांड होते हैं, राइट। ये है, अब मैं आशा करता हूँ मित्रों इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं, पुष्प वृंत, पुष्पासन, बाह्य दल, दल। और ये मित्रों आप देख पा रहे हैं ये पुंकेसर है, इसी को पुमंग कहा जाता है, इसी पुंकेसर पर पराग के कोष के कण उपस्थित होते हैं। और ये आप जानते हैं ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर यानी मादा जननांग है, इस पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जो मित्रों कुछ ऐसे पादप होते हैं जो पुष्प वाले होते हैं, इनमें लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का मतलब होता है नर और मादा कैसे आपस में निषेचन करते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए उच्च पादपों आवृत बीजी में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों के विशेष अंगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें युग्मक बनते हैं। हमने देखिए मित्रों इसमें क्या कहा, उच्च पादपों में आवृत बीजी लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों में विशेष अंगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें युग्मक बनते हैं, राइट। ये देखिए इनमें जनन कोशिकाएं हैं, ये सब इन्हीं के मध्य क्या बनते हैं, ये इनके पराग के कोण इस मादा जननांग पर आएंगे और इस अंडाशय में आकर बीजांड से क्रिया करके क्या करते हैं, पुष्प का निर्माण करते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए पुष्प की संरचना में क्या क्या आता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग क्या होते हैं मित्रों, पुष्प होते हैं। अधिकांश पादपों में पुष्प पत्तियों की चार प्रकार से रूपांतरित संरचना है। पुष्प के ये चार भाग बाह्य दल, दल, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। देखिए बाह्य दल, दल और बाह्य दल, दल हमने दिखाया, बाह्य दल होता है, फिर दल होता है, फिर पुंकेसर, स्त्री केसर। और मित्रों देखिए एक चीज और ध्यान देना है, जो बाह्य दल है, दल है, ये सहायक हैं, राइट, जो मित्रों पुष्प को बनने में सहायता करते हैं। बट पुंकेसर नर जननांग, बट स्त्री केसर मादा जननांग, ये आवश्यक चक्र होते हैं, इन्हीं के कारण युग्मक बनता है पुष्प का। युग्मक मतलब भ्रूण बनता है, भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें बाह्य दल पुंज तथा पुंज पुष्प में सहायक होते हैं। देखिए बाह्य दल पुंज, दल पुंज पुष्प में सहायक अंग होते हैं तथा पुमंग, पुमंग यानी पुंकेसर, जायांग, जायांग यानी स्त्री केसर पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। ये देखिए सहायक यानी पुष्प के बनने में सहायता करते हैं और ये जो आवश्यक अंग है ये पुष्प के बिल्कुल पूरी तरह निर्माण में, राइट। पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर एवं मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। अब चलिए आप आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पुष्प के संरचना के निम्नलिखित भाग हैं। एक इसमें है पुष्पासन, पुष्प का सबसे निचला डंबल वाला भाग पुष्पासन होता है जिस पर पुष्प विराजमान करता है। देख पा रहे हैं आप पुष्पासन क्या है, पुष्प का सबसे निचला
जो डंबल वाला भाग है, जिस पर पुष्प का भाग आसन करता है, जिस पर पुष्प विराजमान करता है। ये देखिए ये जो डंबल वाला भाग है यही पुष्पासन है, इस पर पुष्प क्या करता है, विराजमान करता है। और फिर आता है मित्रों पुष्पवृंत पुष्पासन से थोड़ा ऊपर उपस्थित होता है, यह डंबल का मध्य भाग होता है। ये देखिए ये मित्रों जो आप देख पा रहे हैं ये पुष्पवृंत है, ये नीचे वाला भाग है, हालांकि इसमें थोड़ा गल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। बाह्य दर्पुंज बाहरी घेरे से हरी पत्ती नुमा संरचना जो पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करता है, इसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है। ये देखिए ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं ये बाह्य दल है, ये हरी पत्ती के रूप में होता है, इस पुष्प की सुरक्षा रखता है। अब देखिए दल पुंज क्या है, रंगीन पत्तियां जो पुष्प के जननांगों को सुरक्षा देते हैं तथा कीटों को परागकण हेतु आकर्षित करते हैं, दल पुंज कहलाते हैं। ये देखिए मित्रों आप देखे होंगे गुड़हल के पुष्प में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं दोनों साइड में, ये दल पुंज है, ये कीटों से तमाम प्रकार के मतलब कि हानिकारक बैक्टीरियाओं से इन्हें सुरक्षित रखते हैं, राइट। और इसके बाद देखिए क्या आ जाता है, इसके बाद आज आपका आ जाता है जैसे पुंकेसर यानी पुमंग, पुंकेसर को पुमंग भी कहा जाता है। यह पुष्प के नर जननांग का भाग होता है, एक पुष्प में कई पुंकेसर होते हैं, ध्यान दीजिएगा एक पुष्प में मित्रों एक ही नहीं बल्कि कई पुंकेसर होते हैं। देखिए इनमें क्या, इनके पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोष और पुतंतु, राइट। अब देखिए मित्रों अभी हम आपको संरचना में भी दिखा रहे हैं, पहले आप इतना समझिए, परागकोष क्या है, पुंकेसर का फूला हुआ द्विखंडी भाग जिससे पराग के कण उपस्थित होते हैं, जिसमें पराग के कण उपस्थित होते हैं परागकोष कहलाते हैं। पुतंतु क्या है, देखिए इसी पुंकेसर के नीचे की जो सबसे लंबी भाग होता है जो इन्हें सहारा देते हैं पुतंतु कहलाते हैं। देखिए ये मित्रों ये दोनों साइड में आप देखें ये क्या है, ये पुंकेसर है, हमने कहा एक पुष्प में कई पुंकेसर हो सकते हैं। ये देखिए पुंकेसर, ये देखिए परागकोष, इसी परागकोष में पराग के कण उपस्थित होते हैं, ये है पुमंगु, दो भाग हुए एक परागकोष और पुतंतु, ये देखिए परागकोष और पुतंतु। फिर आ जाता है मित्रों स्त्री केसर जायांग, अब देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये देखिए स्त्री केसर है जायांग है, इसमें तीन भाग वर्तिकाग्र वर्तिका और बीजांड या अंडाशय। जायांग पुंकेसर का मध्य भाग लंबा भाग जो वर्तिकाग्र, देखिए वर्तिकाग्र अंडाशय से जोड़ता है, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर अंडाशय सबसे नीचे, वर्तिकाग्र पुष्प के मध्य नलिका के सबसे ऊपर, नलिका थोड़ा ऊपर स्थित होता है, इन्हें देखिए क्या कहते हैं, ये देखिए अंडाशय इसी नलिका में निचले मध्य भाग में उपस्थित होता है, इसके दो भाग होते हैं वर्तिकाग्र अंडाशय अंडा बीजांड, राइट। ये हमने आपको दिखाया भी, यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र वर्तिका और ये देखिए इसमें बीज उपस्थित होते हैं बीजांड, और ये बड़े बड़े जो होते हैं बीजांडासन, ये पूरा है अंडाशय, राइट। चलिए मित्रों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद जय भारत।